तो हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू तृप्ति मूथ फैमिली चैनल। भाई तो डे हो गया आज फ्राइडे और जाएंगे अपना डेली रूटीन चेकअप के लिए। तृप्ति को लेके जाना है। तृप्ति का पूरा रिकॉर्ड 10 दिन से मेंटेन करा था, जैसे आपने 5-7 दिन पहले वाला व्लॉग देखा होगा। तो उसमें भाई तृप्ति के चेकअप चल रहे थे, तृप्ति की मेडिसिन चल रही थी। तो आज जाएंगे उसका चेकअप कराएंगे, रिपोर्ट्स दिखाएंगे जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन करा है डॉक्टर को। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, तो ये आ गई अपनी धन्नो। ठीक है, गाड़ी की हालत तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, बड़े दिनों से निकाली नहीं है, 10-12 दिन हो गए हैं। तो ये आ गई अपनी धन्नो, अब इसको निकालेंगे। आपसे रास्ते में कुछ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि क्या करने लगे हैं और किन, क्योंकि आज पहले तो टेंशन वाला काम है, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको पता है जी, टेंशन वाला ही काम होता है डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि दिल उतना खुश नहीं होता। तो पहले जाएंगे डॉक्टर के पास, वहाँ पे रिपोर्ट चेक कराने के बाद फिर आगे लेके चलते हैं आपको। देखते हैं क्या एक्सप्लोर करना है, क्या नहीं एक्सप्लोर करना। तो बस ये करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। बाहर कर रही है तृप्ति हमारी वेट, तो ये डाला बैक गियर और चलो जी, लेट्स मेक अ मूव। गाइस पहुंच गए हैं भाई अपनी पहली डेस्टिनेशन पे। होता पता है क्या है, जब घर से निकलते हैं, एक्चुअली में घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई वी आर शॉपकीपर, हम दोनों शॉपकीपर हैं, आप लोगों को पता ही है। तो एक्चुअली में आज तो शॉप भी बंद करी है। टेम्परेचर भाई बड़ा गंदा टेम्परेचर है, 38-40 डिग्रीज टेम्परेचर होगा। पर चलो, शहरों से ज़्यादा थोड़ा आराम है अपने हिमाचल प्रदेश में। तो होता पता है क्या है कि जब घर से निकलते हैं तो घर से निकल के लगता है ऐसे छोटे 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 सारे काम करा लें। मेजर तो जो आज हमारा जो टास्क है वो यही है कि हमने जाना है डॉक्टर को तृप्ति की रिपोर्ट्स दिखाने, जो हमारा 10 दिन का रिकॉर्ड है। पर भाई छोटे छोटे जो 2-4 काम है वो हम सोच रहे हैं वो भी भुगता लें। तो आ गए हैं ये अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, तो तृप्ति का ये डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे उसने वो सबमिट कराना है, तो आगे लेके चलेंगे आपको। अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, तृप्ति का ये अंदर वो जो अपना पेपर वर्क है वो क्लियर करके आएगी, फिर आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करेंगे स्पेशल तो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी डेली रूटीन तो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर ही लेते हैं भाई। तो एक्चुअली में हिमाचल में बहुत ज़्यादा रश है भाई, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और अभी घूमने वाला भी सीज़न नहीं है। पर चलो, टूरिस्ट आया हुआ तो टूरिस्ट के लिए क्या बोल सकते हैं। तो अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारा शहीद स्मारक है, दिखाता हूँ आपको व्यू। वहाँ पे मैं पार्किंग, हमारे यहाँ काफ़ी फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशन है भाई, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है एक। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक जेट भी लगा रखा है इन्होंने अट्रैक्शन के साथ में। ये जो है हमारा शहीद स्मारक है यहाँ। तो ये जो ये वाली जगह है, यहाँ से मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ये रेहड़ियाँ भी खड़ी हैं। ये देखो, ये लोग कुछ कुछ खा रहे हैं भाई। यहाँ पे आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, वेंडर्स यहाँ पे काफ़ी कुछ बेचते हैं। यहाँ पे टिक्की, समोसा, बन कुलचे, छोले, बर्गर वगैरह सब मिल जाते हैं। तो यहाँ से देखो, आपको एक क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे टैंक भी खड़ा है और जस्ट इसके अपोजिट जो है सामने वहाँ से एंट्री है। एंट्री की कुछ टिकट है, 20-25 रुपये की टिकट है पर पर्सन। तो यहाँ पर जो है अंदर बहुत प्यारे नज़ारे होते हैं। और यहाँ ये देखो, चेक करो आप धूप भाई, सड़क के ऊपर कितनी ज़्यादा है। बस यहाँ से यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेने के बाद डॉक्टर के पास चलेंगे, मिलते हैं आपको आगे। गाइस यहाँ से कर लिए चेक इन हॉस्पिटल के अंदर, और साथ साथ ही आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाली क्लिप, उसको भी चेक करो आप। तो ये चेक इन करके गए अंदर और भाई ये साथ में चेकआउट क्लिप। तो आज तृप्ति भी हैप्पी है। नेक्स्ट वाली बात आपको आगे बताते हैं नीचे उतरने के बाद। अभी हॉस्पिटल में काफ़ी सारा रश है तो अच्छा नहीं लगता व्लॉगिंग करने, बाकी नीचे चल के आपको बताते हैं कि क्या हुआ। तो गाइज़ यहाँ पे हम आ गए हैं हॉस्पिटल की, जो इनकी अपनी मेडिकल आउटलेट है, तो वहीं पे आ गए हैं। क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रांड और जो कंटेंट डॉक्टर ने लिखा होता है वो वाली चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो हमने कोशिश यही करी कि जो हॉस्पिटल की शॉप है मेडिकल की, वहीं से पहले हम अपनी मेडिसिन ले लेती हैं। नहीं नहीं, गलत हो जाता है। तो गाइज़ यार यहाँ पे तृप्ति को दिखा लिया डॉक्टर के पास, डॉक्टर मिल गए। और आज भीड़ रश भी बहुत कम था, किस्मत हमारी बहुत अच्छी थी और रिपोर्ट्स भी भाई ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके। ठीक है, मिलते हैं आपको आगे, लेके चलते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, आ जाओ। जो डे है वो बड़ा मस्त चढ़ा है भाई, सब कुछ ओके ओके हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है क्योंकि तृप्ति की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं भाई। तृप्ति की रिपोर्ट्स ठीक आएंगी तो आई एम हैप्पी। ठीक है, आओ तो लेके चलते। गाइस डॉक्टर ने बोला है कि बीपी भी उसका अभी कंट्रोल में है, दवाइयाँ अभी थोड़ी सी रेगुलर और चलेंगी। दवाइयाँ भाई हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, दवाइयाँ खाने के बाद ही आदमी ठीक होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, अब कार्डियोलॉजिस्ट के बाद भाई अब हम जा रहे हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास। गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी तृप्ति को थोड़ा सा दिखाना है, उसके बाद देखते हैं क्या एक्सप्लोर करेंगे क्या एक्सप्लोर नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। कोशिश करेंगे कि सीधा डायरेक्ट घर जाएँ। 3 दिन बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में आजकल सारे स्कूल कॉलेजेस जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब बंद है भाई, हीट वेव की वजह से।
तो लेके चलते हैं आपको आगे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको आगे। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे पहुँच गए डेस्टिनेशन नंबर 3 पे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो आज का रूटीन जो है भाई, आज का शेड्यूल सारा अपना रूटीन चेकअप सारा डॉक्टर्स को दिखाना है, उसके बाद करेंगे भाई जो भी मौज मस्ती करेंगे। पहले अपनी सेटिस्फेक्शन, पहले हेल्थ और फिर मौज मस्ती। तो अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास नंबर लगवाएंगे। तृप्ति उतर गई है, मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई है, मिलते हैं आपको 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे गाइस तृप्ति जस्ट अपोजिट मेरे सामने है, फाइल हमने सबमिट करा दी है। तो फाइल के बाद सबसे पहले तृप्ति का हो रहा है बीपी चेक, बीपी के बाद होगा इसका वेट चेक। तो वेट चेक होने के बाद वो दोनों मेंशन करे जाएंगे फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर मेंशन करने के बाद मैडम के पास अंदर फाइल जो है वो रिकमेंड करी जाएगी, फिर वो नंबर अनाउंस करेंगे और फिर हमारी अंदर हाजिरी होगी। तो आओ वेट करते हैं। देखो गाइज मेरे साथ कौन है, ये देखो न्यू बॉर्न बेबी भाई, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ये भी पैदा हुआ है। यार यहाँ पे गर्मी चेक करो यार भाई, खतरनाक धूप है। ये देखो ये शेडो और ये धूप भाई, गंदी गर्मी, पूरी रोड्स खाली। दूसरा काउंटर मेडिसिन का, यहाँ पे रूटीन बता रही है मैडम तृप्ति को कि कैसे कैसे आपने दवाई लेनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तृप्ति मोद फैमिली चैनल। गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए कांगड़ा भैया, कांगड़ा के बस स्टैंड पे लगा हुआ है यहाँ पे जाम, जाम देख लो आप, आगे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, इतनी धूप भाई, इतनी गर्मी, लोग भी बेचारे परेशान होते हैं। तो आओ आपको लेके चलते हैं न्यू प्रेम बस सर्विस के पीछे पीछे। दवाइयों में लापरवाही अब करनी नहीं मोटो, जब तक तबीयत नहीं ठीक होगी पूरी तरह, अब नहीं करनी। हमने दवाइयों में बहुत लापरवाही करी है ना, अब हमने रेगुलर तरीके से खानी है। पे बज गए दोपहर के 2 और भाई रोड है प्रॉपर टाइप वाली खाली, क्योंकि भैया धूप और गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो चल पड़े अपने शहर की और धर्मशाला की और, तो चेक करो आप प्रॉपर रोड भैया हमारी जो है, 1-2 व्हीकल्स रास्ते पे मिल रहे हैं और एनर्जी लेवल जो है वो पूरा सुपर वाला मस्त है। क्यों? क्योंकि आज हमारी तृप्ति की जो रिपोर्ट्स हैं वो पिछली बार तो ख़राब बताई थी, इस बार बहुत ज़्यादा बहुत मस्त एकदम नॉर्मल हैं। तो हम चल रहे हैं ऑन द वे टू धर्मशाला, तो चेक करो आप भी और चलो हमारे साथ। वो चेक करो भाई ऑर्गेनिक सब्जियां, बंदा 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ऑन द मेन हाईवे बेच रहा है। तो अपनी रिक्वेस्ट सिर्फ व्लॉग्स में इतनी होती है कि भाई शॉप से ना खरीद के इन लोगों से ज़रूर खरीदें। एक तो प्योर वेजिटेबल्स अपने खेतों की उगाई हुई, दूसरा भाई देखो कितनी मेहनत कर रहा 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इन्हीं से परचेज करें। देखो खीरे, गाँव के देसी खीरे साथ में वो नीचे मिल रहे हैं, तृप्ति ने भी अब आपको दिखाया। भिंडी बैंगन मूंगन भाई, तो ये अपने सारे जो हैं देसी होते हैं पीछे बाग के, तो इसलिए हमने परचेजिंग कर ली है। यहाँ पे गर्मी का आनंद लो आप, देखो टेम्परेचर 40 डिग्रीज भाई, 40 डिग्री कम से कम चल रहा है। तो ये भैया जी हमें आगे रास्ते में मिले, तो हमने कहा इनसे थोड़ी सी परचेजिंग करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये देखो चेक करो, इतनी गर्मी, इतनी धूप। इस हमारी तो कोशिश ये होती है कि कोई भी हमें ऐसा बंदा मिले तो हम उससे परचेज़ ज़रूर करते हैं, आप लोग भी ज़रूर करें।
तो ये देखो गाइस, ग्लोबल वार्मिंग और जो हीट वेव जिसको बोलते हैं, तो भाई ये देखो दोपहर के बज रहे हैं 3, और ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही है। ये देखो ये तरपाल कैसे उड़ रही है, ये देखो। तो भाई शहरों में जिसको लू बोला जाता है ना, और ये पहाड़ में जैसे पहले हवा बोलते थे, तो भैया अब ये हवा नहीं है, यहाँ पे भी इसको लू ही बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त गर्म हो रहा है भाई कि ये स्टेयरिंग पे भी हाथ नहीं रखा जा रहा। प्लस सामने देखो आप ये कैसे इतनी तेज़, पहले तो भाई हवाएं चलती थी पहाड़ों में ठंडी ठंडी मस्त हवाएं, तो अब ये चलती हैं भाई शहरों जैसी लू। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये देखो ये जो हीट वेव चला हुआ है ना 4-5-10 दिन से, तो ये है भाई हीट वेव दोपहर के 3 बजे का सुंदर पहाड़ों का नज़ारा। ये देखो, तो यहाँ आ गए अभी हम अपनी 4 डेस्टिनेशन पे। ये है हमारा बैंक, तो बैंक में आ गए हैं भाई। यहाँ पे भी कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है तो वो पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। घर पे बच्चे हैं, देखते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या एक्सप्लोर करना है आपके साथ अभी फुल डे में, क्योंकि डे को भी पड़े 6 घंटे, तो देखेंगे चलेंगे आपको भी अपने। तो होता पता है क्या गाइस, यार मज़ा आ गया आज, डे बहुत अच्छा रहा। दोपहर के बज रहे हैं 3, सुबह निकले थे 11:30 बजे घर से बाहर। तो आज जो है डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स भी ठीक आई, टेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला नहीं, क्योंकि जब उन्होंने हमारा मेंटेन रिकॉर्ड देखा तो सब कुछ ओके था। प्लस दवाइयाँ थोड़ी कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, उसका थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, पर चलो भैया दवाइयाँ हम कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे जो है भाई तबीयत भी ठीक रखनी है तृप्ति की, तो दवाइयों को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उस चीज़ से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पर भाई हेल्थ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हेल्थ जो है हमें वो सुपर क्लास। तो सब कुछ आज ठीक रहा एकदम, डे भी मस्त रहा। 3 बजे हम फ्री भी हो गए, घर जाएंगे, घर जाके मस्त भाई थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। एक्चुअली में पता क्या होता है यार गाइस, घर के अपने लोग, अपनी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एकदम, उनकी हेल्थ एकदम ठीक रहे ना, तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, सारा कुछ करने का दिल करता है। तो देखो आज व्लॉग में पूरी एनर्जी भी थी जब जा रहे थे आपके साथ, वो कंपेयर कर लो और अभी का कंपेयर कर लो, उसमें भाई एनर्जी एकदम डेड थी, जबकि कुछ करा भी नहीं था सुबह से, और अभी थकार के आ रहे हैं, पूरी धूप खाई है, पर फिर भी एनर्जी पूरी अप टू डेट है। वो कारण यही है कि भाई अपने घर के बंदे या जिससे आप प्यार करते हो ना भाई, वो लोग एकदम ठीक हो, उनकी हेल्थ ठीक हो, तो एनर्जी का लेवल अपने आप ही अप हो जाता है, मज़ा आ जाता है, सब कुछ ओके होता है। तो बच्चे कर रहे हैं घर में वेट, अब घर जाएंगे, घर जाके आज अभी आपके साथ 5-6 घंटे का व्लॉग बचेगा, तो बीच में से देखते हैं सिलेक्ट करके क्या क्या आपको दिखाना है, क्या क्या आपको शो करना है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए आप लोग भी, मिलते हैं आपको घर में बच्चों के साथ। वेलकम बैक टू तृप्ति मूड फैमिली चैनल भाई, वंस अगेन फिर से मिलते हैं आपको नई सुबह के शुरुआत में। भाई व्लॉग को एंड करना भूल गए थे, क्योंकि जब हम शाम को पहुंचे 3:30-4 बजे, तो हमने छोटा मोटा कुछ बनाया, साथ में हमने खा लिया, कुछ स्पेशल नहीं किया, तो आपको दिखाया भी नहीं। फिर शाम को 5:30-6 बजे भाई दिल करा कि कुछ क्रिएटिव करें, तो कुछ क्रिएटिव करने के लिए हमने अपना जो चूल्हा है हमारा, जो हमने चूल्हा लिया था पीछे, वो चूल्हे को हमने जलाया, और साथ में हमने ओपन टेरिस के ऊपर जो है हमने उस पर एक डिश बनाई, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी शो कर देंगे, तो जाके उसको व्लॉग को ज़रूर देखना। व्लॉग जो है वो इस व्लॉग से पहले अपडेट हो गया है, तो ये व्लॉग भी आ जाएगा, तो प्लीज़ उस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। उसमें तृप्ति ने जो है चूल्हे के ऊपर बहुत ही ट्रेडिशनल एक मस्त वाली चीज़ बनाई है भाई, बहुत ही अच्छी, और बहुत ही, चेक करना आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक जाके आप चेक करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।